हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 7 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों इसमें 8वें नंबर की क्लास है और दोस्तों आज ये टॉपिक है ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने अधिनियम चल रहे थे 1773 से लेके और अभी तक, यानी कि 1935 तक अपने अधिनियम है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने 1935 तक अधिनियम है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आज अंतिम अपना अधिनियम है इसमें। तो भारत शासन अधिनियम 1947, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1947। तो इसमें देखो, 3 जून 1947 को भारत के वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन का प्रस्ताव रखा था, यानी कि भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव है वो कब रखा गया था, तो 3 जून 1947 को रखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा रखा गया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा रखा गया था, ठीक है, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया, जो माउंटबेटन योजना थी जिसमें भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था 3 जून 1947 को, किसके द्वारा, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, ठीक है। और इस योजना को दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छी चीज़ थी। देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर इसे लागू किया गया, इसकी निम्न विशेषताएं थी, यानी कि 1947 का जो भारत शासन अधिनियम था तो इसकी विशेषता क्या थी। विशेषता देखो, भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हुआ तथा भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। तो दोस्तों, इस योजना की जो प्रमुख विशेषता थी वो ये थी कि ब्रिटिश शासन है वो समाप्त हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत है वो स्वतंत्र घोषित किया गया, ठीक है। इसमें भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाए, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी, यानी कि इसमें दो डोमिनियन बनाए थे, एक भारत और पाकिस्तान, ठीक है, और दोनों को स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता थी, ठीक है। तीसरी विशेषता देखो इसमें, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन के लिए गवर्नर, यानी कि दोनों अलग अलग, दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति डोमिनियन कैबिनेट की सिफारिश पर राजमुकुट को करनी थी, यानी कि इन दोनों की जो नियुक्ति है वो राजमुकुट यानी कि ब्रिटेन की तरफ से करनी थी इन दोनों की नियुक्ति, ठीक है। क्या देखो, पहले वायसराय था तो वायसराय के पद को तो समाप्त कर दिया, ठीक है, और अब गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया, ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल का नया पद सृजित किया गया। देखो, ब्रिटेन की सरकार पर भारत या पाकिस्तान की सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं था, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन की सरकार पर भारत या पाकिस्तान की सरकार का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था। चौथा देखो इसमें, इनके माध्यम से दोनों देशों की संविधान निर्मात्री सभा को अपनी इच्छा अनुसार संविधान बनाने एवं लागू करने का अधिकार मिला, यानी कि संविधान बनाने और संविधान लागू करने का जो अधिकार है वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत मिला। तो दोस्तों, 1947 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत मिला था ये, ठीक है। दोनों देशों की संविधान निर्मात्री सभा को अपनी इच्छा अनुसार संविधान बनाने की शक्ति दी गई थी, ठीक है। साथ ही ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार मिला, यानी कि पहले ब्रिटिश संसद का जो कानून चल रहे थे उनको रद्द करने की भी दोस्तों इनको शक्ति मिली थी, अधिकार मिला था। देखो, इसने दोनों देशों की संविधान सभा को प्राधिकृत किया, जब तक देखो इसने दोनों देशों की संविधान सभा को प्राधिकृत किया कि जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता
तब तक अपने अपने क्षेत्र के लिए ये कानून का कार्य कर सकेगी। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ थी। अब देखो आगे, 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित को भी कानून दोनों देशों पर तब तक प्रभावी नहीं होगा तब तक कि संविधान सभा इसकी सहमति न दे दे। ठीक है, यानी कि ये जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो भी कानून था ये दोनों देशों तक तब तक प्रभावी नहीं होगा तब तक संविधान सभा इसकी सहमति न दे दे। ठीक है, ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। तो देखो ब्रिटेन में पहले क्या था कि ब्रिटेन में भारत सचिव का पद है वो बना दिया गया था। ठीक है, अब उस पद को है वो समाप्त कर दिया गया तथा इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल सचिव को स्थानांतरित की गई। यानी कि भारत सचिव की जो भी शक्तियां थी वो सभी की सभी है वो राष्ट्रमंडल सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, देखो इसमें सातवां नंबर का, 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभु समाप्त हो गई तथा रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने अथवा स्वतंत्र रहने की आज़ादी दी गई। यानी कि जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है वो पाकिस्तान में मिल सकता है, जो भारत में मिलना चाहता है वो भारत में मिल सकता है। ऐसी दोस्तों आज़ादी दी थी रियासतों को। ठीक है, आठवें नंबर की देखो, ब्रिटिश राजा का वीटो का अधिकार है। ठीक है, ब्रिटिश राजा का वीटो का अधिकार तथा स्वयं की अनुमति के लिए विधेयक को रोकने का अधिकार है वो समाप्त हो गया, किंतु कुछ परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया। ठीक है, देखो भारत के गवर्नर जनरल व राज्यों के गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख के रूप में स्थापित किया जिसकी शक्तियां यथार्थ न होकर नाममात्र की थी। ठीक है, इन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना था। देखो आगे, 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि यानी कि 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि ब्रिटिश शासन का अंत हुआ तथा सत्ता दोनों डोमिनियन देशों को मिली। यानी कि 14 और 15 अगस्त को मध्य रात्रि के अंदर क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन का वो है अंत हुआ और सत्ता दोनों डोमिनियन देशों को मिली। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तथा प्रथम स्वतंत्र प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई गई। ठीक है, भारत की संविधान सभा भारत की संसद की तरह कार्य करेगी। पाक का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, याद रखना। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखो, सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचन होना यानी कि गणतंत्र है और सर्वोच्च शक्ति का वंशानुगत होना यानी कि राजतंत्र है। ठीक है, नीचे की शक्ति यानी कि निम्न की शक्ति का जनता द्वारा चुना जाना लोकतंत्र कहलाता था। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो टॉपिक है ये समाप्त हो गया। 1947 का अधिनियम बाकी था तो ये आज कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा पॉलिटिकल साइंस में पटवार भर्ती के लिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्य आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।